हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का जो टॉपिक है, आप देख रहे होंगे थंबनेल्स में, जैसा कि मैंने बताया कि आप कैसे QR कोड को जनरेट कर सकते हैं। बहुत ही इजी तरीका है, आप जो कि बहुत सारे ऐसे वेबसाइट मिल जाएंगे, उनमें से मैं किसी एक वेबसाइट को मैं आप लोग को बताऊंगा कि आप कैसे QR कर सकते हैं। उसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कोई फ्री टेक्स्ट, आप कोई भी टेक्स्ट उसमें लिख के, आप जब भी कोई उस कोड को स्कैन करेगा तो आप जो कोड सेट, जो भी उसमें टेक्स्ट वगैरह सेट करके सेव करेंगे वो शो करेगा उसमें। तो फ्री टेक्स्ट है, URL है, आप कोई वेबसाइट या फिर कुछ भी ऐसे पेज का लिंक फेसबुक का शेयर कर सकते, उसमें आप बना सकते हैं QR कोड, उसका कॉन्टैक्ट नंबर का बना सकते हैं। तो चलिए, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो वो हम जान लेते हैं कि इसमें कैसे कैसे क्या करना है। तो सबसे पहले करना क्या होगा, आपको पहले गूगल खोल लेना है। गूगल आप जैसे ही खोल लेते हैं, यहाँ पर इस तरह का गूगल का स्क्रीन दिखेगा, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको लिखना है QR कोड जनरेटर, इस पर इसको लिख के सर्च करना है। आप जैसे ही इसको लिख के सर्च करेंगे, फर्स्ट वाला लिंक जो दिख रहा है theqrcodegenerator.com, इस पर चले जाना है। तो इस पर जैसे ही आप जाएंगे, देख रहे होंगे यहाँ पे दे रहा होगा आपको 3, 4, 5 ऑप्शन यहाँ पे दे रहा है फिलहाल आपको। तो इसमें से आपको करना क्या है, आपको बस यहाँ पे कोई टेक्स्ट वगैरह, जैसे आपको हाँ हेलो गुड मॉर्निंग का QR कोड बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कुछ भी और उसके बाद सेव कर देंगे, तो ये QR कोड जो है बन जाएगा। आपको इमेज के तौर पे इसे सेव कर लेना होगा। तो फिलहाल मैं एक वेबसाइट, जैसे कि ये एक साइट है, साइट पेज है, उसको हम कॉपी कर लेते हैं, इस लिंक को जो भी है, इस एड्रेस को। अब URL पे हम जाकर इसे हम पेस्ट कर देते हैं। मैं इसे इसका बनाना चाहता हूँ, तो इसका जो है अब हम सेव करेंगे इस चीज़ को। जैसे ही सेव करते हैं, यहाँ पे फाइल का नाम पूछ रहा है, तो फाइल का नाम हम यहाँ पे कुछ भी दे देंगे, जैसे यहाँ पे माय पेज कर दिए, इसको हम सेव कर देते हैं। तो ये PNG में सेव होगा, तो हम PNG में ही चाहिए इसको, इसको हम सेव कर लेते हैं। तो अब देखिए, इसको हम जब भी हम क्लिक करेंगे, शो करते हैं, इसको हम क्लिक किए ओपन कर रहे हैं इस पेज को, इस इमेज को जब हम ओपन कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इमेज है। अगर आप इस इमेज को प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट करने के बाद आप इसको स्कैन करके देखेंगे, तो इसमें जो हमने URL सेट किया था वो आपको दिखेगा। तो ये वेबसाइट खुल जाएगा, जो कि मैंने आपको दिखाया था कि ये जो है ये पेज जो है खुल जाएगा, इसका मैंने QR कोड बना लिया था, तो खुल जाएगा। तो ये URL का हो गया। कॉन्टैक्ट नंबर, इसमें कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर बना सकते हैं। इसमें हो गया नेम, हो गया उसके बाद नेम कंपनी का वगैरह नाम डाल सकते हैं, यहाँ पे कोई संस्था है तो वो डाल सकते हैं, ईमेल, फ़ोन नंबर, सेल फोन, उसके बाद आप फैक्स नंबर, स्टेट और पोस्ट कोड, एक पोस्टल कोड होता है, पोस्ट कोड होता है, वो डाल सकते हैं। इसमें सारे डिटेल्स जो दिख रहा है आपको वो डाल सकते हैं सारे, और डालने के बाद आप इसको सेव कर दीजिएगा। सेव करने के बाद वही इमेज आएगा, इमेज आपको सेव कर लेना होगा, तो आपका QR कोड रेडी हो जाएगा। तो ये कॉन्टैक्ट हो गया। उसी तरीके से फ़ोन का है, जो फ़ोन नंबर किसी को देना है तो आप इस ऐसे भी दे सकते हैं, हिडन तरीके से, एक तरह से समझ लीजिए आप दे सकते हैं। उसके बाद SMS, अगर आप कोई किसी को आप SMS करने के लिए बोलते हैं, अगर वो नहीं कर पा रहा है तो आप नंबर और जो टेक्स्ट है, जो मैसेज करना है, जो टेक्स्ट, वो आप यहाँ पे लिख कर और नंबर, उसको नंबर आप जो भी है नंबर दे दीजिएगा, अपना आराम से उसको एक्स करके वो अपना मैसेज भेज सकता है। तो आई होप गाइस आप लोग को वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, कर दीजिए चैनल को, हमारे चैनल पे अगर डप्ट नहीं है तो, और नए हैं तो इसे शेयर कर दीजिए जल्दी से फटाक से।